बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग जरूर ट्राई करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है सपना की प्यारी सी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं गाइस। चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज है दोनों बच्चों की छुट्टी, कल तो संडे है, वैसे भी छुट्टी है, तो आज मैं क्यों ना आपको एक रेसिपी दिखाती हूँ। मुझे बनाना वैसे ये वो रेसिपी जो बना रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी देखना है ना तक पूरी रेसिपी, फिर आप लोग भी ट्राई करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये लिए हैं मैंने कुछ आलू, तो इनको अच्छे से मैं धो लेती हूँ, धो करके कट कर लेती हूँ। तो ये मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखी हूँ, तो कट करते बन नहीं रहा। अभी मैं सारे आलू, मतलब फ़ोन रख के फिर कट करके इसमें सारे डाल दूँगी, और डाल के पानी डाल दिया, उबालने के लिए रख दिया सारे आलू। गाइस, तो आलू उबल गए मेरे, अब इनको छील लेती हूँ और अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो इसमें मसाले क्या मिलाऊंगी, मैं सारी चीज़ें आगे दिखाती रहूँगी। तो ये सारे आलू मैं छील लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा होएंगे, फिर इन्हें मैश करूँगी। और यहाँ पे लिए मैंने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, प्याज, तो इन सभी को मैं अच्छे से काट लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को इस चॉपर में कट कर लेती हूँ, ताकि इसमें ना बारीक हो जाता है बिल्कुल से, वो बारीक ही चाहिए मुझे। चॉपर में क्या है ना कि बारीक एकदम कट जाएगा, फाइनल चॉप हो जाएगा, और उसी तरीके की चाहिए। तो प्याज मुझे थोड़ा कम लगा, तो एक छोटा प्याज मैंने और लिया है, उसको भी कट करके डाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें मेरे अच्छे से कट हो चुकी हैं, और ये आलू भी मेरे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको भी मैश कर लेती हूँ फाइनल। और ये सरसों का तेल है, तो ये कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, तो मैंने डाल दिया सरसों का तेल। सारा सामान मेरा रेडी है गाइस, धनिया भी, और ये धनिया मिर्ची जो मैंने काटी हुई है ना, लहसुन प्याज, और ये आलू भी मैश करके रख लिए, मसाले भी रेडी है मेरे। बस इसे ना सारा मिश्रण को रेडी कर लेती हूँ, तो जीरा का तड़का दे देती हूँ, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल दूँगी इसमें। तो धीमी आंच करने के बाद ही इसको भूनना है, क्योंकि बहुत बारीक है, तो जल्दी भुन जाएगा ये। तो ये मसाले मेरे सारे मिक्स मसाले हैं, आप लोग अलग अलग डाल सकते हो, जैसे कि धनिया मिर्ची, गरम मसाला, जीरा पाउडर, आप अलग अलग भी डाल सकते हो, ये सारे मेरे मिक्स हैं। तो ये मैं इसी में डाल देती हूँ। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं गाइस, और ये मसाले भी बहुत जल्दी भुन जाएगा, क्योंकि पानी डालना नहीं है मुझे। और ये आलू भी मैंने डाल दिए, तो आलू की भुनाई भी बहुत ही अच्छे से करनी है, और इसमें नमक भी अपने सेहत के अनुसार, स्वाद के अनुसार ही डालें। और ये हरी धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। तो मेरा ये क्वांटिटी, मतलब इतनी साइज़ के लिए है मैंने आलू, और आप लोग के फैमिली के हिसाब से, जितनी बड़ी फैमिली उस हिसाब से सारी सामग्रियाँ ले सकते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, और आप लोग इसको क्या नाम से बताते हो? हमारे यहाँ कचौड़ी, पकौड़ी ये कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं ये ज़रूर बताना मुझे। तो फ्रेंड्स, ये स्टफिंग रेडी है मेरा आलू का, ये रख देती हूँ थोड़ा देर ना, ठंडा हो जाएगा ये, तब ये हाथ से मतलब पकड़ पाऊँगी, अभी बहुत गर्म है। तो तब तक मैं बेसन का घोल बना लेती हूँ, यस खाने के लिए रेडी है। तो ये स्टफिंग को रख देती हूँ ठंडा होने के लिए फैला के, और जब तक वो ठंडा हो रहा है, तो मैं ले लेती हूँ बेसन और घोल बना लेती हूँ। तो बेसन भी मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, जितने मेरे आलू हैं, तो उस हिसाब से मैं बेसन इतना लिया है मैंने। और बेसन में डाल देती हूँ मैं हल्दी पाउडर और नमक, क्योंकि नमक मैंने उतना ही डाला है आलूओं में, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी डालना है बेसन में, और ज़रूरी भी है। और घोल मतलब रेडी कर लेती हूँ बेसन का। तो हमेशा जब भी कोई भी चीज़ घोलें, तो एक बार में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डाल। तो बेसन को फेंटना, चाहे पकौड़े बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, अगर इस तरीके की लिक्विड है तो अच्छे से घोलना बहुत ज़रूरी होता है। और एक साइड ही इस तरीके से अगर करते जाओगे ना, तो गैस भरती है, और फिर ये हल्का होता है बेसन पर, हल्का हो जाता है ना, तभी ये फूलते हैं, चाहे हम उसके लिए बनाएं कढ़ी के पकौड़े के लिए, चाहे वैसे भजिया बनाएं, तो फेंटना बहुत ज़रूरी है बेसन को। तो मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से बेसन। तो ये मैं ले लेती हूँ छोटी छोटी सी लोई, और इन्हें मैं पेड़े के समान मतलब बना के सारे रख लूँगी इकट्ठे, और फिर आराम से फ्राई कर लूँगी। तो बेसन भी रेडी है मेरे, और ये भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और खाना गाइस तसल्ली से बनाओ ना, प्यार से, तो और भी टेस्ट निखर के आता है। और ये सारे पेड़े मेरे बन के रेडी हो गए हैं,
और अब मैं ये बेसन भी मेरा रेडी है। और ये बेसन देखो कितना फिनिशिंग है बेसन में, क्योंकि इतने अच्छे से फिट गया है ना वो, तो मलाई की तरह हो गया है वो, तो देखने में भी अच्छा लगता है ना खाना, तो किसी को परोसने में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई जैसे मेहमान आ जाता है कोई भी, मतलब बाहर खाने में किसी के लिए रखो ना, तो देखने में भी खूबसूरत लगना चाहिए। तो इस वजह से बहुत तसल्ली के साथ बनाती हूँ आराम से। तो ये देखो बेसन, मतलब जब डुबो ना तो बहुत ही ध्यान से डुबो के आराम से रखो तो एकदम अच्छे बनते हैं। तो ये देखो आराम से मैं धीमे आंच में पकाती हूँ ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो कभी भी पकौड़े या मंगौड़े कुछ भी बनाओ तो आंच धीमे करके बनाओ तो अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं, और तेज़ करो तो फटाफट से पक जाते हैं, फिर अंदर पक नहीं पाते हैं। और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है और पक्के रेडी हो गए मेरे कचौड़ी, तो सच्ची में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप समोसा भूल जाओगे, ये सुबह नाश्ते के लिए भी कोई आ जाए मेहमान तो फटाफट से बना सकते हो। तो ये मैं बना लेती हूँ सारे, एक बार के तो बन गए हैं, और ये बन चुके हैं मेरे सारे पकौड़े। और खा जाओ गाइस, बहुत ही टेस्टी यम्मी दिख रहे हैं, कलर बहुत ही प्यारा आया। सारी कचौड़ी मेरे बन के रेडी हो गई है गाइस, ये देखो कितने अच्छे तरीके से पक गई है अंदर तक, और कोई भी मेहमान आए तो नाश्ते में भी बढ़िया से बना सकते हो, सुबह जल्दी भी बन जाता है। देख रहे हो मैंने कितने थोड़ी कम आलू लिए थे और कितनी सारी कचौड़ी बनी है, थोड़ा सा बेसन था थोड़ा सा मेरे पास आलू थे। तो ये देखो बन के तैयार हो गए, मैं इनको दिखाती हूँ कैसे है, खाने में भी कैसे लग रहे हैं। तो ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ गाइस, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने के लिए तो रोक ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, फटाफट से बस अभी इसका टेस्ट कर लो। बहुत टेस्टी है गाइस, मैंने जाने कब से ये बनाए नहीं थे, मैं बनाती हूँ काफी दिन में बनाए, तो मैंने सोचा आपको रेसिपी दिखाती हूँ, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे गुलशन खा रहा है, आप जानते हो बहुत शर्माता है, तो नो रिएक्शन। बहुत अच्छी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग जरूर ट्राई करना। रेसिपी तो बन जाती है पर ये देखो किचन की हालत कितनी खराब हो गई है, कोई भी काम करो तो हो ही जाता है, किचन छोटा है ना हमारा इसलिए पूरा गंदा हो गया, अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ये गाइस तो ये काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ और वीडियो को ही कर लेती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल में नई हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।